हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें। और यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर सेव का ऑप्शन है इधर, और इन्हें सेव कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको डायल पैड का ओपन करना है, एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और उसके बाद आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे। अगर आपका रीसेंट या फिर इस पर क्लिक है तो आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर लें। एंड इसके बाद आपको करेक्ट नेम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा फर्स्ट नेम, यानी कि आप जिसका नंबर आप सेव कर रहे हैं उसका नेम डालेंगे, और उसका लास्ट नेम भी डाल सकते हैं, यानी कि सर नेम। और इसके बाद नेम डालने के बाद आपको मैं नेम डाल रही हूँ, जैसे कि रानी, तो हम रानी लिख देते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप जिसका नंबर आप सेव करें उसी का नेम डालेंगे सही सही। और इसके बाद आपको यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर डालेंगे जिसका नंबर सेव करें। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नंबर ले रही हूँ। एंड इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में सही सही नंबर डालेंगे, एंड या फिर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और इसके बाद और भी चीज़ ऐड है करना है तो मोर पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ एंड होम एड्रेस, और देख सकते वेबसाइट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं यहाँ पर जिसका नंबर सेव कर रहे हैं। और मेरे को सिर्फ कुछ नहीं डालना है, सिर्फ यही फ़ोन नंबर, एक नेम। और इस कैमरे पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जिसका नंबर आप सेव कर रहे हैं उसका फ़ोटो सेट कर सकते हैं यहाँ पर मुझे नहीं करना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका है। और रानी नाम से देखेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर सेव हुआ है नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं रानी नाम से सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है गलत है तो उसको प्रेस करके रखें, एंड उसको प्रेस करके नहीं रखें, सॉरी फ्रेंड्स। आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट दिखता है, आप उस पर क्लिक करें। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखाई डिलीट का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसी प्रकार से। और फ्रेंड्स, आई होप आप सीख चुके हो किस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो उसको वापस मतलब कि वापस डिलीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।